तर मुंबईतल्या पावसामुळे नागरिकांसह आमदारांचे देखील हाल होत असल्याचा मुद्दा विधानसभेमध्ये काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनी मांडला. पहिल्याच पावसामुळे नागरिक वाहतूक कोंडीनं त्रस्त झाल्याचा मुद्दा पटेल यांनी मांडला. नालेसफाई न झाल्यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगरात अनेक भागामध्ये पाणी साचल्यामुळे वाहतूक कोंडी झाल्याचं पटेल म्हणाले. मेट्रोच्या कामांमुळे वाहतूक कोंडी वाढल्याचं पटेल यांनी निदर्शनाला आणलं. मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंबई महापालिका आयुक्तांना तातडीनं बोलावून याबाबत बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. आज सुबह मुंबई में बरसात की शुरुआत हुई है. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका का मुंबई का पावसाड़ी के लिए बरसात के लिए कोई तैयारी नहीं है. मुंबई महानगर पालिका का SMS है अध्यक्ष महोदय कि ट्रैफिक पूरा इफेक्टेड हो गया है. अध्यक्ष महोदय, बांद्रा में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, धारावी में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, मुंबई सेंट्रल में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, लोकल ट्रेन लेट चल रही है मेट्रो की वजह से. अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि मेट्रो के काम के वजह से मुंबई के अंदर ट्रैफिक बारिश के अंदर जाम हो गया. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने म्युनिसिपल कमिश्नर को आज बुला करके मुंबई के अंदर जो नाला सफाई नहीं हुई है और जो खड्डे हो गए उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.